एवरीवन वेलकम टू सरकारी अगेन तो इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो कि यूपी जीएनएम एडमिशन 2023 से रिलेटेड रहने वाला है तो डीजीएमएच की तरफ से जो है यहाँ पर एक नोटिस पब्लिश किया गया है 15 जून 2023 को ठीक है जिसके थ्रू जो है हमें यह पता लग रहा है कि अभी जो आपके जीएनएम यूपी uh, में जो जीएनएम कोर्स के एडमिशन है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो कब से कब तक स्टार्ट होने वाले हैं क्या उसका प्रोसेस रहेगा कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं ये सभी चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ठीक है तो ये जो uh, मतलब जीएनएम कोर्स है ये आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करवाया जाएगा तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कितने हैं क्या एलिजिबिलिटी उसमें एडमिशन लेने की रहेगी कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो क्या उसकी फीस है अप्लाई करने की ये सभी चीजों पर जो है मैं आपके साथ डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं ठीक है तो डीजीएमएच की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें ये लेटर एक पब्लिश हुआ है जिसमें लिखा है कि सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण वर्ष 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के संबंध में ठीक है सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण का मतलब क्या है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जिसे हम शॉर्ट में जीएनएम बोलते हैं अब यहां पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दू कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट भी आ चुका है एंड अब वो लोग जो हैं काउंसलिंग करवा रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग में सपोज अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है ठीक है और आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज में जो है फीस काफी ज्यादा रहती है तो बीएससी नर्सिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जीएनएम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहता है उस केस में ठीक है तो इसमें देखो फायदा क्या है कि जब आप जीएनएम करते हो जीएनएम बेसिकली एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि तीन साल का कोर्स होता है क्लियर है और इस कोर्स को करने के बाद भी आप नर्सिंग वाली जो जॉब्स हैं वो कर सकते हो एंड अगर आपका मन होता है जीएनएम के बाद नर्सिंग की ग्रेजुएशन करने का तो जीएनएम के बाद एक और कोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग ठीक है जो कि दो साल का होता है तो तीन साल का ये डिप्लोमा कोर्स प्लस दो साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स मतलब तीन और दो पांच साल मिला के आपका वो जो इक्वेलेंट डिग्री आपको मिलती है पोस्ट बेसिक नर्सिंग की वो आपके इक्वेलेंट होती है बीएससी नर्सिंग कोर्स के ही ठीक है तो अगर आप यहां पर चार साल के कोर्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए तो आप इस रास्ते के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग जैसे ही कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हो तीन साल का आप ये करो ये करने के बाद आपको जॉब इजिली मिल जाएगी ठीक है आप ट्राई करते रहोगे आपको इजिली जॉब मिल जाएगी क्योंकि जीएनएम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हॉस्पिटल्स में एंड आप साथ में जॉब कर रहे हो और जब आपका सिलेक्शन पोस्ट बेसिक नर्सिंग में हो जाता है तो आप फिर अपनी जॉब को कुछ टाइम के लिए छोड़कर दो साल के लिए आप वहां पर भी उसको कोर्स को अपना कंटिन्यू कर सकते हो अदरवाइज आप अपनी जॉब करते रहो तो ये एक एडवांटेज रहता है अगर आपको बी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में और आप प्राइवेट से करना नहीं चाहते हो तो आप यहां पर अप्लाई करके सेम रास्ते को फॉलो कर सकते हो लेकिन एक दूसरे तरीके से ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है या फिर हम बोले कि जैसे नॉर्थ हो गया एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है तो उसमें जैसे बी नर्सिंग वाले एलिजिबल होते हैं उस तरीके से जीएनएम वाले भी एलिजिबल होते हैं लेकिन कंडीशन क्या रहती है कि जीएनएम करने के बाद आपको कम से कम दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में यानी कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां कम से कम 50 बेड हो वहां पे आपने दो साल जॉब की हो वर्क एक्सपीरियंस लिया हो तो उसके बेसिस पे आप एम्स नॉर्थ सेट में अप्लाई कर सकते हो और नर्सिंग ऑफिसर भी आगे जाके बन सकते हो तो रास्ता साफ है बिल्कुल जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए भी अगर वो बी नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप जीएनएम करके भी उसी सेम रास्ते पे और ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो ठीक है तो ये छोटी सी एडवाइस थी मेरी तरफ से जिन कैंडिडेट्स को गाइडेंस नहीं होती इस चीज के बारे में तो उसके बारे में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया तो आपका बीएससी नर्सिंग में अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हो पा रहा तो यहां से ट्राई करो ठीक है तो अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी में लिखा है एंड यहां पर ये यह इंग्लिश में लिखा है तो मैं इस वाले से आपको समझा देता हूं ओके तो पंद्रह जून दो को नोटिस आया है तो लगभग चार दिन पहले ही नोटिस आया है ये जिसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर थ्री ईयर्स ट्रेनिंग ऑफ जनरल नर्सिंग फ्री अगेंस्ट द वैकेंट फोर हंड्रेड फिफ्टी थ्री सीट्स फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एट नाइन गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू थर्टी फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स डीजीएमएच यूपी डॉट डॉट इन ठीक है तो जेएनएम कोर्स में जो है जो कि तीन साल का कोर्स होता है इसमें एडमिशन्स के लिए अप्लाई Uh, करने के लिए जो है मतलब एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं कितनी सीट्स के लिए चार सीट्स के लिए ठीक है और कितने सेंटर हैं मतलब कितने कॉलेज हैं जहां से आपको जेएनएम करवाया जाएगा वो है नौ कॉलेज तो नाइन गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर चार सीटें हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हो और डेट जो है आवेदन करने की अप्लाई करने की वो है आपकी एक जुलाई 2023 से लेकर इकतीस जुलाई 2023 तक और कहां से अप्लाई होगा अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दी है dgmhup.gov.in तो जब एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना काफी ज्यादा जरूरी है अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यानी कि आपको शैक्षणिक आहारताएं कितनी चाहिए क्या चाहिए वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो पहला है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विदर्टी परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश इज मैंडेटरी ठीक है ट्वेल्थ एग्जाम जो है ट्वेल्थ का एग्जाम आपने पास किया हो इंटरमीडिएट आपने पास किया हो और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें कम से कम आपके 40 प्रतिशत मार्क्स होने कंपलसरी हैं उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते उसके बाद है कैंडिडेट शुड हैव पास हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद साइंस इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय यूपी बोर्ड और इक्विवेलेंट ठीक है तो यह है कि आपने या तो टेंथ और ट्वेल्थ जो है या, आ, मतलब यूपी बोर्ड से किया हो या फिर किसी अदर बोर्ड से किया हो तब भी चलेगा ओके तो टेंथ और ट्वेल्थ आपका पूरा होना चाहिए ट्वेल्थ में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश में कम से कम फोर्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो तो ये तो पहली एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहा अब दूसरी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जिन्होंने ए ऑलरेडी किया हुआ है अब ये ए क्या होता है ठीक है तो एएनएम भी क्या होता है एक नर्सिंग का ही डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि दो साल का होता है एंड इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ठीक है तो जिस किसी कैंडिडेट ने मान लो ट्वेल्थ के बाद ए का कोर्स किया हो जो कि दो साल का होता है तो उन उन लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो भी यहां लिखी है टेन प्लस टू प्रोफेशनल ए एन एम ट्रेनिंग ठीक है फ्रॉम स्कूल इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ तो एएनएम जो है आपने दो साल का कम से कम किया हो और जो आपका इंस्टीट्यूट है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलेट होना चाहिए साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में ठीक है और उसके बाद लिखा है कि जो कैंडिडेट जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनकी 45 परसेंट मार्क्स होने चाहिए और जो एससीएसटी के हैं उनके 40 परसेंट मार्क्स होने चाहिए टेन प्लस टू या ट्वेल्थ में चाहे वो यूपी बोर्ड से हो या फिर अदर किसी बोर्ड से हो ठीक है तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी थी जो ए वाले हैं ओके और उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस ठीक है तो एप्लीकेशन फी की हम अगर बात करें और एक चीज मैं यहां पर बता दूं ये जो ट्वेल्थ वाली कंडीशन इन्होंने लिखी है कि जो आपकी 45 परसेंट मार्क्स ये सभी कैंडिडेट्स के, के लिए होंगे मतलब तो के तो के इंग्लिश के केस में टेंथ की जो है, कम से कम चालीस होनी चाहिए अब एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए दो है और मतलब ईडब्ल्यूस के लिए भी उतनी रहेगी और एससी एस और ओबीसी कैटेगरी के लिए हंड्रेड आपको फीस पे करनी होगी और फीस जो है वो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी और करके प्लीज आप जो है फीस जब पे करें तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें यूपीआई का इस्तेमाल ना करें ठीक है और ये यहां पर लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि यूपीआई के ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा फेल हो रहे हैं आजकल इसलिए उसके बाद नेक्स्ट है रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन की हम बात कर लेते हैं तो 10 परसेंट सीट जो है वो यहां पर मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए टोटल फोर का टेन लगभग पैंतालीस सीटें हो गई तो उतनी सीट जो है सिर्फ मेल के लिए

किसी मेडिकल हेल्थ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में या फिर एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन वाले उसमें और एनआरएचएम जो कि यूपी का है उसके बाद लिखा है कि बट इफ अब नॉट फिल्ड बाय एलिजिबल कैंडिडेट सीट विल बी फिल्ड बाय रिमेनिंग एलिजिबल एप्लीकेट तो ये लिखा है कि जो 15 परसेंट ए वाली सीटें हैं वो पूरी की पूरी नहीं भर पाती हैं किसी वजह से या कैंडिडेट्स की कमी की वजह से तो उन सीट्स को बाकी सीट्स में मिला दिया जाएगा और उस पर सभी लोगों का जो है अधिकारों का और उसके बाद लिखा है कि रिजर्वेशन इन ट्रेनिंग फॉर एस सी एस टी ओबीसी एंड अदर्स विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर तो एस सी एस टी ओबीसी का जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लाइक like कितने परसेंट ओबीसी का है कितने परसेंट एससी का है तो वो गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार होगा फिर लिखा है एप्लीकेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ उत्तर प्रदेश विल नॉट बी गिवन इन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ठीक है तो यहां से हमको एक चीज देखने को मिलती है इन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो यूपी के बाहर से बिलोंग करता है तो उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा मतलब कि बाहर वाला जो कैंडिडेट है यूपी के बाहर वाले जो कैंडिडेट है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी से करेंगे ठीक है क्योंकि इन्होंने यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको डोमिसाइल होना जरूरी है यूपी का उसके बाद नेक्स्ट है एज लिमिट तो एज जो है वो आपकी सत्रह साल से लेकर पैंतीस साल तक होनी चाहिए इकतीस दिसंबर दो के अनुसार ओके okay, अब ये 2022 के लिखा है ये मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा ये 2023 होना चाहिए ठीक है और एससी एस के, के केस में जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा बाकी इसका जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन जो है वो मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन तो ट्वेल्थ और टेंथ की परसेंटेज के बेसिस पे जो है आपका यहां पर सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यहां पर नहीं होने वाला ठीक है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डीजीएमएच की वेबसाइट पर मिलती रहेगी तो आप देखो इन्होंने ये जो चीज लिखी है ना कि जो एप्लीकेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विल नॉट गिवन एनी बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इसका मतलब यही है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे लेकिन अभी क्या है फॉर्म का लिंक एक्टिव होने देना और अगर इन्फॉर्मेशन इसकी क्लियर मिल जाती तो अच्छा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके बाद ही अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई करना जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना कहीं आप ये बोलो कि मैंने आपको बताया था तो आपने अप्लाई कर दिया तो देखो इतना कुछ नुकसान है भी नहीं अप्लाई कर भी दोगे तो टू तो हंड्रेड रुपीज इसकी फीस है कोई ऐसा नहीं है कि डेढ़ दो हजार रूपये फीस है जो आपको इतना ज्यादा शॉक लगेगा लेकिन जब इन्होंने ये चीज लिखी है कि बाहर वाले कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा इससे यही क्लियर होता है कि बाहर वाले कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको जनरल कैटेगरी से ही सीट दी जाएगी ठीक है तो भाई जो भी बाहर वाले कैंडिडेट्स हैं जिनकी पिछहत्तर अस्सी से ऊपर परसेंटेज है टेंथ ट्वेल्थ में तो वो भी अप्लाई करो ज्यादा सही रहेगा बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी फ्यूचर में होगी अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको चैनल पर देता रहूंगा तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना बाकी अगर आ, कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो ओके सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे